माननीय श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं ये कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ सभापति महोदय, और उसमें जो धन्यवाद प्रस्ताव हुआ, तो मैंने कई बार उसको जाकर YouTube पर देखा, और देखने के बाद मैंने महसूस किया कि महामहिम ने अपना जो अभिभाषण शुरू किया उसमें सबसे पहले जो हम 75वें हम अमृत महोत्सव को मना रहे हैं उसमें हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन सबको उन्होंने अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दी, और इसके साथ साथ उन सबको नमन किया। और इसके बाद 75 साल तक हम जिस तरह से यहाँ पर पहुँचे हैं उसमें जिन भी नेताओं का योगदान था उसकी भी उन्होंने सराहना की। और इसके बाद जो बहुत ही अच्छी बात हमें लगी कि उन्होंने उन सभी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, और इसके साथ साथ गुरु तेग बहादुर जिसको हम हिंद की चादर भी कहते हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि हम उनका प्रकाश उत्सव जो है वो बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। हम पिल्लई जी का जो है उनका जो जन्मोत्सव है उसको मनाएंगे, और बिंदु जी के जन्म दिवस को, नेता जी की 125वीं जयंती है उसको भी हम मनाएंगे। और इस तरह से जो हमारा रिपब्लिक डे है वो 23 तारीख से 23 जनवरी से शुरू होकर और उसके बाद बीटिंग रिट्रीट तक चलेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि बीटिंग रिट्रीट पर अब की बार जिस तरह से जो एक धुन जो है जिसमें सबकी आंखें नम हो जाती हैं मेरे वतन के लोगों, और उसको जो है बजाया गया, और जिस तरह से 1000 जो ड्रोन हैं वो किस तरह से वहाँ पर पूरे आकाश के अंदर हमारे देश के जो हमारा जो अमृत महोत्सव है उसके बारे में बखान कर रहे थे, तो हम सब देशवासियों का मन गदगद हो गया उसको देखकर। और उसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ड्रोन के लिए उन्होंने स्पेशल ये कहा है कि मेक इन इंडिया के तहत जो ड्रोन हैं वो उनको और ज़्यादा जो है बढ़ावा मिलना चाहिए, ताकि जो हमारे युवा हैं वो इस तकनीक का फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ सभापति महोदय की, जो हमारे साहिबजादे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, जो गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों जो साहिबजादे हैं, उनको याद करते हुए जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि 26 दिसंबर को जो है वो वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। अगर मैं देखिए, मेरी सिरसा लोकसभा है और वहाँ पर हमारे बहुत जो हैं वो सिख बंधु वहाँ पर रहते हैं, और मेरी खुद की भी बहुत आस्था जो है वो गुरु ग्रंथ साहब में है। और मैंने जब उस स्टोरी को पढ़ा तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी सभापति महोदय कि किस तरह से जब मुगलों के साथ हमारे गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं वो उनके साथ जो है लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय में औरंगजेब ने एक खत लिखकर उनको ये बरगलाने की, उनको ये बहकाने की कोशिश की कि आप अगर ये जो आनंदपुर साहब है अगर इस किले से आप बाहर निकल जाएंगे तो आपके साथ हमारा युद्ध जो है वो बंद हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी जानते थे कि मुगल जो हैं वो जिस तरह से जो उनकी एक जो पिछला उनका इतिहास रहा है, और जैसे ही वो वहाँ से निकले आप ये देखिए कि ज़बरदस्त तरीके से जो है औरंगजेब ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी, और पूरा परिवार जो है वो छिन्न भिन्न हो गया। परिवार के सदस्य कोई कहीं चले गए, कोई कहीं चले गए, और उसी में ही जो माता गुजरी जो है उनकी दादी जोरावर सिंह और फतेह सिंह को लेकर और वो जंगल के अंदर चली गई और वहाँ पर गुफा में रही। और आप ये देखिए कि वहाँ पर किसी ऐसे देशद्रोही ने जो है खबर कर दी, और उसके बाद उनको ये कहा गया कि तुमको जो है वो दीवारों में चिनवाया जाएगा। और उन दो मासूम बच्चों को जिस तरह से एक एक करके दीवारों में चिनवाया गया वो हम लोग जिंदगी भर नहीं भूल सकते। और इसलिए जो उन बच्चों की याद में जो वीर बाल दिवस के लिए जो हमारे महान जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जो ये कहा है कि ये 26 दिसंबर को उन बच्चों के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, तो मैं तहे दिल से इस बात का धन्यवाद करना चाहती हूँ। इसमें महामहिम जी ने भी इस बात का जिक्र जो है अपने अभिभाषण में कहा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ इसके साथ साथ सभापति महोदय कि 100 वर्षों से हम एक ऐसी महामारी से अब गुजर रहे हैं कि जो 100 वर्षों में पहले कभी नहीं आई, और ऐसी महामारी में जबकि हमें ये लग रहा था कि इस विभीषिका से हम लोग कैसे बाहर निकलेंगे, और हमें ये लग रहा था कि देश जो है वो कैसे किस तरह के परिस्थितियों में चला जाएगा, लेकिन जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं उनकी जो मन की संवेदनाएँ हैं और इसके साथ साथ जो उनकी दूरदर्शिता है उससे ना केवल
हम इस महामारी से पार पाए हैं, बल्कि हमने 80 करोड़ जो हमारे जो जो हमारे आम जन थे उनको किस तरह से भोजन पहुंचाने का काम किया, उनको किस तरह से राशन पहुंचाने का काम किया, इस बात के लिए भी इस अभिभाषण के अंदर जो है जिक्र किया गया। मैं तहे दिल से इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का। आप अभी अभी थोड़ा थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि मैं कहना चाह रही थी कि हर घर जल की बात की उन्होंने, और जिसके क्योंकि हमारी जो महिलाएँ हैं उनमें परिवार में कह दिया जाता है कि खाना बना दीजिए, अब उसके बाद वो खाने के लिए पानी कहाँ से आ रहा है इसमें परिवार के लोग ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं। हर घर जल के तहत आप देखिए 6 करोड़ घरों को जो पेयजल का कनेक्शन दिया है उसके लिए मैं महामहिम जी को, उन्होंने अपनी भाषण में इसका जिक्र किया, अपनी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आप ये देखिए कि महिलाओं के लिए, आप ये देखिए कि महिलाओं के लिए जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है आदरणीय सभापति महोदय, कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सैनिक स्कूलों के अंदर हमारी बेटियां जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, और जून 2022 से एनडीए का पहला बैच जो है वो शुरू होने वाला है। मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूं कि मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन भी रही हूं कि हमारी बेटियां जो हैं आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर, हर किसी के अंदर जो है पार्टिसिपेट करेंगे, और उनको परमानेंट कमीशन जो है वो भी हमारी सरकार ने दिलवाने का काम किया। तो मैं तहे दिल से इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि कांग्रेस के कल वरिष्ठ नेता एक जो जिक्र कर रहे थे महामहिम के अभिभाषण का, और वो जो चर्चा कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से वो अपने देश की इमेज को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसकी मैं बहुत सख्त शब्दों में निंदा करती हूँ। क्योंकि हमारा जो देश है ये गुरु तेग बहादुर का देश है, गुरु गोविंद सिंह जी का देश है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे कि 1,25,000 से एक लड़ाऊं ता गोविंद सिंह नाम कहाऊं, ऐसी बात उन्होंने कही थी। और आप ये देखिए कि एक मुट्ठी भर जो हमारे सिख सैनिक थे वो लाखों के लाखों मुगलों के साथ उन्होंने जो है वो लोहा लिया। ऐसे देश के ऊपर वो किसी इस तरह का संदेह कर रहे हैं? अरे हम ये कहते हैं कि आप ये देखिए, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है संभाला है हमारे देश का नेतृत्व, तब से जो है हमारी सेना के अंदर एक अलग ही तरह का बल आ गया है, और हम अभिनंदन को कैसे भूल सकते हैं। तो इस तरह की बातें करके जो है जो नेता प्रतिपक्ष जो है वो हमारी सेना को या हमारे मनोबल को कमज़ोर करने की कोशिश ना करें। और आप ये देखिए, अभी ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर के अंदर आया है, ये लोग बाहर के न्यूज़पेपर पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि गलवान में चीन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है भारत की बजाय। अगर ये इनको, अगर बाहर के देश के जो न्यूज़पेपर है उन पर विश्वास है तो ये पढ़ सकते हैं उसमें। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो कह रहे थे कि मैं तो सीखता हूँ, मैं सबसे सीखता हूँ, मुझे लगता है कि लेकिन और सीखना भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो आप सीख तो रहे हैं, लेकिन क्या सीख रहे हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है आप सीख रहे हैं, लेकिन क्या सीख रहे हैं? अभी आपने सिर्फ इतना ही सीखा है कि अपने भाषण के दौरान भाव भंगिमाएं जो हैं कम से कम उनसे परहेज करें, लेकिन आप देश के लिए, लेकिन आप देश के बारे में जो बात कर रहे हैं, अभिनंदन का नाम लिए, अभिनंदन कर लीजिए ना, अभिनंदन। हाँ, अभिनंदन को अभिनंदन है जी, बहुत बहुत अभिनंदन हाँ। है। और इसके साथ साथ उन्होंने जिक्र किया हमारे गृह मंत्री जी के घर में, कि मणिपुर के कुछ वहां पर सदस्य गए। तो सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि हमारी बहुत ही प्यारी सांसद तमिलनाडु से आती है कि वो मेरे घर पर अपनी बिटिया का शादी का निमंत्रण देने के लिए आई, और मैं जब उनके पास पहुंचती हूँ तो मैं हैरान होती हूँ देखकर कि वो बेयरफुटेड थी। और मैंने उनसे कहा कि आप तो उन्होंने कहा कि मैं मुझे समाप्त कर दीजिए प्लीज, आधा मिनट दीजिए। तो मैंने उनको कहा कि आप ये कहते कि हमारे यहाँ पर परंपरा है, तो मुझे लगता है कि वो विदेशों में ज्यादा भ्रमण करते हैं, हमारे तमिलनाडु के, हमारे गुजरात की, हमारे देश की क्या परंपरा है इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो मैं बस तलेवर अवर्गले मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि जो जो नेता के मन में होता है ना वही बात आती है, क्योंकि कहते हैं कि कबीरी देखी परखी ले, परखी मुखों बुलाए, जैसी अंतर होएगी मुख निकसेगी आए। और इसी तरह से मैं आखिरी बात जो कहना चाहती हूँ कि जो कल हमारी एक सांसद ने जो जिस तरह का बिहेवियर किया, सभापति महोदय आप ही यहाँ पर बैठी थी, आप 3-4 बार की सांसद ही नहीं हमारी माँ समान भी हैं, और ऐसे उसमें जो उन्होंने इस तरह की बात की वो बहुत बहुत, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा, हमें तकलीफ हुई इस बात की, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं समर्थन करती हूँ, बहुत बहुत।